जैसा कि प्रॉमिस किया था, आज हम हैं बाहर। आपको दिख ही रहा होगा, बहुत ही सुनहरा सा मौसम। और आज मैं आपको दिखाने आई हूँ यहाँ के खेत, एक छोटी सी जगह, गांव। समझ लो आप, गांव में आई हूँ मैं यहाँ पर आपको खेत दिखाने के लिए। उससे पहले, खेत में ले जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मेरे जो चैनल का नाम है वो इंडियन गर्ल इन यूरोप है। मैं अपने एक्सपीरियंस या अपनी जो भी यहाँ की लाइफ है वो आप लोगों से शेयर करती हूँ अपने चैनल पे। ये मेरा पैशन है जो मैं यहाँ पर फॉलो कर रही हूँ, और आपके अपने चैनल इंडियन गर्ल इन यूरोप में आपका स्वागत है। तो चले, गाइज़ ये देखिए मक्के के पेड़। ये मैंने भी पहली बार देखे और मुझे पता भी नहीं था ये मक्के के पेड़ है, पर मैंने किसी से पूछ लिया और मुझे पता चला ये मेज़, यहाँ पर मेज़ बोलते हैं इन्हें, और ये मक्के के पेड़ है जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर यहाँ तोड़ नहीं सकते हैं ये वाले पेड़। तो वैसे तो कोई दिख नहीं रहा है आसपास, तोड़ लो क्या? चलो चलो आओ दिखाती हूँ। और तो सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये लगी गाइज, जो मुझे डिफरेंस लगा, यहाँ देखो एकदम पक्की रोड है। ये खेत है, बहुत छोटी सी जगह का एक खेत है, और बगल में पक्की रोड है और प्रॉपर बाउंड्रीज बनी हुई है। सारे जितने भी खेत हैं सार प्रॉपर बाउंड्रीज बनी हुई हैं, डिफरेंट तरीके की चीज़ें उगा रखी हैं जो मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं पता, पर जो जो चीज़ें मुझे पता है मैं आपको बताती जाऊँगी। और मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा फील आ रहा है, मतलब मुझे वो खेतों वाला फील आ रहा है यहाँ पर आने के बाद कि मैं खेत में आ गई हूँ। वैसे तो मुझे यहाँ आने के बाद इंडिया वर्सेस यूरोप में कुछ डिफरेंस नहीं फील हो रहा। अगर आपको फील हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ आपको, अदर देन बादल मुझे ऐसा लगता है यहाँ के थोड़े बहुत नीचे रहते हैं और बहुत ब्लू रहते हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लग, गेहूँ दिस इज गेहूँ है ना? हाँ, तो गाइस मैंने आपको गेहूँ के पेड़ दिखा दिए यहाँ। मतलब मैं MP की हूँ और वहाँ गेहूँ सबसे अच्छा पैदा होता है, तो मैंने बहुत सारे गेहूँ के खेत देखे और मैंने आज यहाँ यूरोप में पहली बार गेहूँ के खेत देखे। मैं MP के हूँ और मैंने गेहूँ के जो खेत हैं वो MP में बहुत सारे देखे हैं, और उसके बाद यूरोप में मैं पहली बार देख रही हूँ और बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये थोड़े पोस्टेज से दिख रहे हैं मुझे, मैंने MP में ज़्यादा अच्छे देखे हैं, तो मज़ा आ रहा है यहाँ पर। चलो और आगे चलते हैं। यहाँ तो शायद कुछ लगा नहीं है इस पर्टिकुलर जगह पर, पेड़ पौधे कोई से लगे हुए हैं, और यहाँ बहुत शांति वाला माहौल हो रहा है, बहुत शांति एकदम। बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है और पत्ते भी हिल रहे हैं, उसका भी साउंड आ रहा है जो बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस मुझे तो नहीं पता गेहूं कौन से मौसम में उगते हैं, आपको पता हो तो बता देना, क्योंकि ये तो बेचारे मरे पड़े हैं यहाँ पर गेहूं के सारे खेत, तो आप मुझे बताना ज़रूर। चलो, और ये फिर से हम मेज पे आ गए हैं। ये लंबे लंबे जो दिख रहे हैं वो सारे भुट्टे के पेड़ हैं, भुट्टे। भुट्टे के पेड़ लुक्स इंटरेस्टिंग मेरे लिए। तो गाइस मेरे को ये भुट्टे के पेड़ दिख रहे हैं, उससे मुझे ये याद आया कि यहाँ के भुट्टे बहुत टेस्टी होते हैं, एकदम मीठे, मतलब शक्कर जैसे मीठे होते हैं। तो कभी अगर आप लोग यहाँ पर आओगे तो मैं आपको भुट्टे खिलाऊंगी, यहाँ के बहुत टेस्टी होते हैं। तो मेरे को दिखा तो मेरे को याद आ गया। गेहूँ का पता नहीं क्या हाल है, चलो आगे और देखते हैं। यहाँ पर एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर है सबका, उसका रीज़न ये है
कि यहाँ पर हर चीज़ मशीन्स के थ्रू होता है, तो अपना जो भी इनका ट्रैक्टर होता है उसके पीछे ये लोग मशीन्स लगा देते हैं और उस मशीन्स के थ्रू सारा काम होता है। तो एक पूरा इंसान, एक पूरा नहीं हाँ पूरा इंसान, एक इंसान सारा काम कर देता है। और आप अगर खेत भी देख रहे होगे तो एकदम एक लाइन में, ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे, इधर से ज़्यादा उधर से कम। उसका भी यही रीज़न है कि सब कुछ बहुत ही अच्छे से मशीन्स के थ्रू मैनेज करते हैं, बहुत सारे लोगों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने अपने यहाँ के खेत देखे, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जनरली, यहाँ मुझे एक भी इंसान नहीं दिख रहा है। और यहाँ प्रॉपर रोड्स बना रखी हैं ताकि जो भी ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज और जो भी मशीन्स हैं वो जा सकें आराम से, आ सकें आराम से, जो देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ तरक्की है यहाँ पर। और ऑब्वियसली हमारे यहाँ भी बहुत सारी जगह पे हो चुकी है। तो बताइएगा कैसा लगा आपको, और आपका उस पर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो भी मुझे बताइए। तो ये देखिए चारों तरफ बस खेत ही खेत दिख रहे हैं। तो ऐसे होते हैं डेवलप कंट्रीज़ के खेत, या जर्मनी के खेत ऐसे होते हैं। कभी और दूसरी यूरोप कंट्री के खेत में जाऊंगी तो वो भी दिखाऊंगी, पर जर्मनी का तो ऐसा ही है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, शांति लग रही है। मतलब ऐसा लग रहा है आत्मा को शांति मिल रही है, बहुत ही शुद्ध हवा लग रही है यहाँ पर आके। और मुझे अपने गाँव के खेत याद आ रहे हैं ये सब कुछ देख के, अच्छा फील हो रहा है। तो आप थोड़े खेत के मज़े लो। यूरोप के खेत आपको अच्छे लगे हो तो चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और मैं आपके सामने फिर मिलूंगी और सेकेंड पार्ट के लिए। सो समथिंग गुड इज कमिंग अप गाइस, सेकेंड पार्ट।